राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण में सरकार की सेना के लिए अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में वो एक अग्निवीर के परिवार से मिलते हैं जिन्होंने इस योजना पर सवाल खड़े किए और शहीद अग्निवीर के परिवार को मदद नहीं मिली है। ये राहुल गांधी ने दावा किया। अग्निवीरों की शहादत पर उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है, जिस पर जवाब भी रक्षा मंत्री की तरफ से दिया गया। तो इससे पहले भी राहुल गांधी, आपको याद होगा, कई बार अग्निवीर योजना को लेकर कई सारे सवाल उठा चुके हैं। अब पूरी खबर क्या है, राहुल गांधी ने एक बार फिर से क्या कहा है, आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। शहीद के परिवार को मदद नहीं देने का आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। इसके बाद आपको यह भी बता दें कि राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इस बड़े दावे को गलत साबित कर दिया है, गलत करार दे दिया है। पहले शहीद ने राहुल के दावे को यहां पर झुठलाया है, यानी कि आपको यह भी बता दें कि राहुल गांधी इससे पहले भी कई मर्तबा ऐसे सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दावे को गलत करार दे दिया है। पूरी खबर क्या है, इनसाइड स्टोरी आप देखिए इस रिपोर्ट। राहुल गांधी ने लोकसभा में अपने भाषण में अग्निवीर योजना पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने दावा किया कि अग्निवीरों की शहादत पर उनके परिवार को सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के दावे को गलत बताया। अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। सेना में शहीद हुए पहले अग्निवीर अक्षय गावते के परिवार ने भी राहुल गांधी के दावे को झुठलाया। अब तक 50 लाख रुपए बीमा मिला, एक बार फिर 50 लाख रुपए मिले, महाराष्ट्र सरकार से 10 लाख रुपए मिले। अक्षय गावते के पिता ने दावा किया कि उन्हें सरकार से 1 करोड़ 10 लाख रुपए की मदद मिल चुकी है।